हेलो एवरीवन, मैं कल्पता UNA से और आज के वीडियो में आप देखेंगे 3 इजी नेल पॉलिश डिज़ाइन। आज के वीडियो में मैं आपको 3 तरीके के नेल आर्ट बताने वाली हूं दोस्तों, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे नाखून तो बहुत छोटे हैं, तो इस पर डिज़ाइन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले नाखून लगा लेंगे नकली। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ रॉयल सिलॉन प्रोफेशनल से ये नेल टिप्स। तो इस तरीके के होते हैं, तो मैं मेरी साइज़ के हिसाब से नेल्स इसमें से निकाल लूँगी पहले। दोस्तों यहाँ मैं नेल ग्लू यूज़ कर रही हूँ UNA बॉन्ड से। अब हम इसे थोड़ा सूखने देते हैं। इसी तरीके से हम अपने पूरे नाखून जो है पूरे हाथ पर लगा लेते हैं बराबर से, सारे फिंगर्स पे। जी तो ये अच्छे से लग चुके हैं, एकदम प्रॉपरली चिपक गए हैं। ग्लू बहुत ही अच्छा है दोस्तों ये। अब हम इस पे जो है एक बेस शेड लगा देते हैं पहले, सबसे पहले सारे नेल्स पर, और उसके बाद हम इसके ऊपर जो है डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बेरी से ये नेल कलर, जो कि वाइन कलर है। दोस्तों चलिए अब हम सारे नेल्स को एक बार डबल कोटिंग दे देंगे नेल पेंट से। अब हम इसे सूखने देंगे पहले। दोस्तों अब मैं यूज़ करूँगी कलर बेरी से ये मेटालिक कॉपर शेड। तो यहाँ ये सूखा नहीं है, ये अब तक कम्प्लीटली दोस्तों सूखे नहीं हैं नेल्स, नेल पेंट, सॉरी एक सेकेंड दोस्तों, ये अभी तक पूरे तरीके से नेल पेंट जो है सूखी नहीं है, तो हम इसके सूखने का इंतज़ार करेंगे पहले। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नेल पेंट कम्प्लीटली सूख चुकी है, और अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी कलर बेरी से ये मेटालिक कॉपर शेड। तो दोस्तों यहाँ मैं मेरी तीसरी उंगली जो है उसके टिप्स पर ये मेटालिक शेड लगाऊंगी। दोस्तों आप इस तरीके से भी जो है इसे लगा सकते हैं, सिर्फ आपकी थर्ड फिंगर में आप इस तरीके से एक ही नेल पर नेल की जो बॉर्डर होती है हमारी, वहाँ पर कोई भी मेटालिक शेड या लाइट शेड लगाकर इसे स्टाइल कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं। आप चाहें तो अपनी पांचों उंगलियों पे इस तरीके से लगा सकते हैं नेल पिन। दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर ले ली है एक यू पिन। यहाँ मैंने यू पिन पर जो है नेल पिन ले ली है। इस तरीके से हम एक एक करके डॉट बनाएंगे। दोस्तों, ये सेकंड जो है डिज़ाइन मैंने बना लिया है। अब चलते हैं थर्ड डिज़ाइन की तरफ। थर्ड डिज़ाइन के लिए यहाँ पर मैं अपनी जो सेकंड फिंगर है उसे पूरा पेंट करूँगी कॉपर शेड से। मैंने यहाँ जानबूझ के नीचे वाइन शेड का यूज़ किया है ताकि वो जो टिंट है वो आए। यहाँ मैं चाहती थी कि वाइन का टिंट मुझे मिले। तो दोस्तों, ये हमारा थर्ड जो है नेल डिज़ाइन है। अब यहाँ जो बाकी दो मेरी फिंगर्स बची हैं, मैं उनके टिप्स पर भी ये मेटालिक शेड लगा लूँगी। पे इस तरीके से लगा सकते हैं नेल पेन। दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर ले ली है एक यू पिन। तो यहाँ मैंने यू पिन पर जो है नेल पेंट ले ली है। इस तरीके से हम एक एक करके डॉट बनाएंगे। दोस्तों, ये सेकंड जो है डिज़ाइन मैंने बना लिया है। अब चलते हैं थर्ड डिज़ाइन की तरफ। थर्ड डिज़ाइन के लिए यहाँ पर मैं अपनी जो सेकंड फिंगर है उसे पूरा पेंट करूँगी कॉपर शेड से। मैंने यहाँ जानबूझ के नीचे वाइन शेड का यूज़ किया है ताकि वो जो टिंट है वो आए। यहाँ मैं चाहती थी कि वाइन का टिंट मुझे मिले। तो दोस्तों, ये हमारा थर्ड जो है नेल डिज़ाइन है। अब यहाँ जो बाकी दो मेरी फिंगर्स बची हैं, मैं उनके टिप्स पर भी ये मेटालिक शेड लगा लूँगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे काम एंड टेक केयर। बाय बाय।